हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं कवर ऑर्डर के बारे में, जो कि जीरोधा के काइट ऐप पर हम उसे कैसे प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरुआत करने से पहले मैं उन दोस्तों से कहना चाहूँगा जो इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि उन्हें नए नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कवर ऑर्डर की। मैं आपको आज इंट्राडे में कवर ऑर्डर प्लेस करना सिखाऊंगा। दोस्तों, हम कवर ऑर्डर को बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ प्लेस कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्टॉक को बाय करें कवर ऑर्डर के साथ, तो कैसे बाय करना है, और अगर हमें शॉर्ट करना है तो कैसे शॉर्ट करना है। दोस्तों, इस कवर ऑर्डर में हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। अगर हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो हम उसके साथ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। हमें ये लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है विदाउट स्टॉप लॉस आप कवर ऑर्डर को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो आपको स्टॉप लॉस उसको उस पैसे नीचे की तरफ रखना होगा, और आपने किसी स्टॉक को सेल किया है तो आपको स्टॉप लॉस उसके हायर प्राइस पे रखना होगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप मार्केट प्राइस पे से बाय या सेल कर सकते हैं, या लिमिट प्राइस पे। लिमिट आप अपने चॉइस अनुसार उस प्राइस पे आपको सेल और बाय करने का ऑप्शन मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको इस काइट के लॉगिन में आपको लॉगिन कर लेना है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, और वॉच लिस्ट वाले स्क्रीन पे पहुंच जाना है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं ये वॉच स्क्रीन में। दोस्तों, आज मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा M&M का स्टॉक। यहाँ आपको क्लिक करना है और सेल का ऑप्शन चॉइस करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी। ये कवर ऑर्डर है CU का, आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मार्केट और लिमिट के। ये देखिए, मार्केट में आप मार्केट प्राइस पर सेल कर लेंगे और लिमिट पर लिमिट के प्राइस पर सेल कर लेंगे। मैंने लिमिट चूज़ किया है। यहाँ हम प्राइस डाल लेते हैं 498, जो कि अभी प्राइस चल रहा है 494 के आसपास प्राइस चल रहा है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ इसलिए हायर प्राइस पे मैं सेल करूँगा। और यहाँ लिमिट और यहाँ कवर ऑर्डर, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं। स्टॉप लॉस मैं ऊपर की तरफ रखूँगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे तो काफ़ी नुकसान ना हो, तो मैं 502 पर स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। और जो मैं क्वांटिटी है 20 क्वांटिटी प्लेस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ 20 डाल लेते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है MIS में। हम इंट्राडे कर रहे हैं, लिमिट कवर ऑर्डर ये लगाने वाले, और ये सेल का ऑप्शन है। यहाँ आपको इस डायरेक्शन में स्लाइड कर देना है। स्लाइड करते ही ये देखिए ऑर्डर आपका प्लेस हो रहा है 20 क्वांटिटी में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी। दोस्तों, ये आपको ऑर्डर में पेंडिंग में दिखा रहा है। ये दो ऑर्डर लगे हैं। दो क्यों लगे हैं? क्योंकि हमारे कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस के साथ हम इसे करते हैं, इसलिए। देखो, आपको ओपन में दिखा रहा है 498 प्राइस पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस वाला है, ट्रिगर वाला। ठीक है दोस्तों, 502 पे। दोस्तों, जब प्राइस 498 आएगा तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऊपर वाला सेल वाला, और ये बाय वाला पेंडिंग ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एग्जीक्यूटेड में अभी कुछ नहीं है। जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये यहाँ शो होने लगेगा। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम दोबारा से आए हैं थोड़ी देर बाद। अब देखते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है नहीं। देखो दोस्तों, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। पहले पेंडिंग में दो ऑर्डर थे, अब सिंगल रह गया है। और ये देखिए, ये ट्रिगर्ड वाला रह गया है जो पेंडिंग में दिखा रहा है, और जो एग्जीक्यूट हुआ है वो एग्जीक्यूट में दिखा रहा है 1 नंबर, जो कि मेरा सेल का ऑर्डर था। चलो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेल वाला ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है 498 प्राइस पे, जो कि हमने लिमिट में सेट किया था। ये कवर ऑर्डर भी आपको शो हो रहा है कि CO लिमिट। ठीक है दोस्तों, और 20 क्वांटिटी है इसकी। और हम पोजीशन में देखेंगे, तो पोजीशन में देखते हैं तो 20 क्वांटिटी ये शो कर रहा है M&M की, और हमें लॉस हो रहा है 36-35 के आसपास। ये लाइव मार्केट में है, ये हमें लॉस दिखाई दे रहा है।
ये हमारा कवर ऑर्डर है, ये हमारा M&M का 20 क्वांटिटी लगी हुई है 498 के प्राइस पे, और जो अभी लाइव प्राइस चल रहा है 499 के आसपास चल रहा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पेंडिंग में ऑर्डर है वो ट्रिगर्ड में दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ट्रिगर वाले इस पर, तो ये ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ एग्जिट जैसे हम कर देते तो हम इस ऑर्डर से लॉस में ही बुक कर सकते हैं इसे। और यहाँ मॉडिफाई भी, अपना स्टॉप लॉस अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो मॉडिफाई करके देखते हैं। अभी हमारा 502 पे था, ये देखो हमने 502 पे इसे सेट किया हुआ है स्टॉप लॉस ट्रिगर, तो हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसे 503 करते हैं, 503 कर देंगे। अगर आप चाहते हैं अपना स्टॉप लॉस एडिट करना तो आप इसे आराम से एडिट कर सकते हैं। मैंने 503 कर दिया है, और ये देखिए सबमिटेड करने के बाद ये हमारा 503 हो गया। पहले यहाँ 502 था, अभी 503 हो चुका है ट्रिगर में। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्राइस आता है 503 तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी लॉस होगा वो लॉस में बुक हो जाएगा, ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइम बुक कर लूँ, तो आप एग्जिट में जाकर एग्जिट करेंगे तो आप इस ऑर्डर से बाहर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।